क्या बोलेंगे सर, आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली के जो बेटे केजरीवाल जी बोलते हैं कि मैं दिल्ली का बेटा हूँ, आज वो रिटर्न टू तिहाड़ हो चुके हैं, उनके तिहाड़ में वापसी हो गई है, बोल रहे हैं मैं तिहाड़ जा रहा हूँ, दिल्ली वाले खुश रहे तभी मैं तिहाड़ में खुश रहूंगा, क्या बोलेंगे? दिल्ली वालों को आपने इतना खुश कर दिया कि दिल्ली वाले पानी के लिए त्राई माम कर रहे हैं सर। दिल्ली वालों को आपने इतना खुश कर दिया कि आपके शीश महल को देख करके उनके रोने छूट जाते हैं कि हम एक आम आदमी को लेकर के आए थे और उसने हमें क्या दिया, खुद का शीश महल बना लिया और हमें पानी से भी लाचार कर दिया। ठीक है, दिल्ली वाले छोड़ो, पंजाब वाले, उन्होंने भी आप पर भरोसा जताया था, चिट्टे में लगा दिया। आज इस पे क्या बोलेंगे, जो वापसी होगी केजरीवाल के तिहाड़ में, लगता नहीं है कि अब उन मौलिक एक उनके ऊपर ये प्रेशर बनता है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अब वो इस्तीफा दे दे या उनकी सरकार को? निर्लज आदमी है सर, निर्लज आदमी है, नहीं देगा इसको जब तक जनता उखाड़ करके नहीं फेंकेगी, ये अपनी निर्लजता नहीं छोड़ेगा। यार जो आदमी अपने बच्चों का सगा नहीं हुआ, जिस आदमी ने अपने बच्चों की कसम तोड़ी, वो दिल्ली की जनता कैसे सोचेगा? वो ये सोचेगा कि मेरा दायित्व क्या बनता है? उसके लिए दायित्व दुईत्व कुछ नहीं है, उसके लिए बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ठीक है, उसका गणित इतना ही है। उस आदमी ने जिसने पन्नू जैसे आतंकवादी से फंडिंग ले ली, वो दिल्ली की जनता के बारे में सोचेगा? आतंकवादी उनको बता रहे तो बोल रहे कि मैं तो भगत सिंह जी का चेला हूँ, मैंने तो भगत सिंह देश आजाद कराने के लिए गए, मैंने एक तानाशाह के खिलाफ आवाज उठाई है और उसके लिए मेरे को जेल जाना पड़ रहा है तिहाड़। जी आपको कोई हक नहीं है कि आप हमारे सूरमा, हमारे शहीद भगत सिंह जी के ऊपर कोई कमेंट भी करें, क्योंकि आपकी और उनकी औकात में दिन और रात का अंतर है। क्या कहां भगत सिंह जी और कहां आप अपनी तुलना करेंगे उनसे? आप इस लायक हैं कि आप अपनी तुलना को केजरीवाल जी या भगत सिंह से तुलना करें? एक चीज बताइए केजरीवाल जी, अगर मैं आपसे इतना भी पूछ लूं ना, चार प्रश्न करूं भगत सिंह के बारे में कि वो कब जन्मे, उनके माता पिता का नाम क्या था, उन्होंने किस एज के अंदर उधर अटैक किया था, ठीक है, उन्होंने किस एज में हथियार उठाए थे, ठीक है, इस तरीके के चार प्रश्न करूँगा ना, आपने बायोग्राफी नहीं पढ़ी होगी उनकी, और आप नाम लेने के लिए ले लोगे भगत सिंह के, मैं फैन भगत सिंह का, ये कर तो कही जा रही है कि वो आजाद कराने गए थे, ये देश बचाने जा रहे हैं, तानाशाह के बचाने, ये बिल्कुल वैसा ही है। सुनिए, ये जो संविधान बचाने की बात करते हैं, देश बचाने की बात करते हैं विपक्ष वाले विशेष तौर पे, ठीक है, ये बिल्कुल वैसा ही है। कल आकर के मियां खलीफा या सनी लियोनी कहे कि बहनों सिर पे चुन्नी रखा करो, कितनी समझ में आएगी बात? तो वो हिसाब किताब इनका है, जिन्होंने खुद ने संविधान की हत्या करी, इंदिरा गांधी के दौर के अंदर एमरजेंसी दी आपने कोर्ट के आदेश को पलट करके अपनी सरकारें बनाई, ठीक है। आप इतने निर्लज आदमी, आज तक के इतिहास के अंदर कोई ऐसा सीएम नहीं हुआ जो पद पर रहते हुए जेल काट ले, ठीक है, आपने उस समय इस्तीफा नहीं दिया, उस समय संविधान की हत्या नहीं हो रही। और इनके लिए लोकतंत्र है क्या? लोकतंत्र कभी जीवित हो उठता है, कभी वापस मृत हो जाता है। सुनिएगा, जब केजरीवाल जी को ईडी ने गिरफ्तार किया था तब लोकतंत्र की हत्या हो गई थी, फिर जब कोर्ट ने देश में पहली बार एग्जाम्पल सेट करके एक बार के लिए उनको देश में पहली बार एग्जाम्पल सेट हुआ किसी नेता को चुनाव प्रचार के लिए बेल मिली, तब लोकतंत्र जी पुनः जीवित हो उठे। अब आज जब लोग वापिस उनको जेल जाना पड़ा, अब लोकतंत्र जी फिर शहीद हो गए, क्या करेंगे हम? बोल रहे तिहाड़ से मैं जिंदा बचूंगा नहीं बचूंगा, इसकी उम्मीद नहीं है, जिंदा बचने ना बचने की बात है। आपने बहुत बढ़िया, आप खुद ही पीठ थपथपाते हैं ना अपनी, हमारी मेडिकल व्यवस्था बहुत बढ़िया है, तो तिहाड़ में मिलेगी आपको मेडिकल व्यवस्था, क्या दिक्कत है? और अगर आपको खुद की मेडिकल व्यवस्था पर विश्वास नहीं है तो आप निपट सकते हो। क्या बोलेंगे सर, आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वापस तिहाड़ जेल चले गए हैं, आज उन्होंने बोला है कि मैं तिहाड़ जेल इस देश को बचाने जा रहा हूं, मैंने जरूरत की है तानाशाही के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ बोलने की, जिसके कारण मैं जेल जा रहा हूं, मैंने कोई घोटाला नहीं किया, ये तो तानाशाही के खिलाफ लड़ने के लिए जेल जा रहा हूं। ताली बजाओ, कितनी अच्छी बात बोली है, अच्छी बात बोली, बहुत अच्छी बात बोली। पूछो आगे, पूछो, बताइए क्यों अच्छी बात बोली है? बहुत अच्छी बात बोली, क्यों नहीं बोली? क्योंकि वो सच्चा है, अच्छा है, अच्छा है, देश के, देश से अच्छी बात बोली, देश हित में बोली, देश हित के बारे में बोली, ये देश बचाने के लिए तिहाड़ जेल गए। हाँ बिल्कुल, अच्छा तिहाड़ जेल में बैठ के वो देश बचाएंगे, क्योंकि वो जो सपना देख रहा था ना, मैं दूंगा, वो सपना पूरा कभी नहीं होगा, ठीक है, मोदी जी का, मोदी जी, हाँ, 4 तारीख के बाद गठबंधन की सरकार बन रही है, हंसी खुशी से आएंगे, अच्छा, जेल से बाहर आएंगे केजरीवाल, हाँ, और बीजेपी वाले कहेंगे हाय रे मोदी, हाय रे जोगी, हम तो लुट गए तेरे प्यार में। सुनो, हंसते हंसते जेल से बाहर आएंगे, हंसते हंसते, ठीक है भाई, 4 तारीख को ना, अबे 4 तारीख को क्यों, भविष्य में क्यों जाता, अतीत में देखना, अभी गया आएगा फिर से वो। पहले बेशरम आदमी देखा केजरीवाल, इसको शर्म नहीं आ रही है, अब तक तो कसम से विधवा औरत को भी शर्म आती, वो भी चूड़ियां उतार के खा देती, ये जेल जा रहा है, ये
जेल से क्यों नहीं बोलते हो? जेल से आ रहा है, इसने खुद बोला था कभी बहुत सी मैं ऐसा कोई बयान मैं त्याग दे दूंगा, क्यों नहीं दे रहा भाई? और को दे दे राहुल गांधी तो बोल रहे देश बचाने के लिए तिहाड़ गया हूँ मैं। अरे देश को लूटने वाले बचाएंगे ये सुनो, ये केजरीवाल सबसे पहले कांग्रेस में कहता था कांग्रेस सबसे बड़ी चोर पार्टी है, आज इसकी दोस्त बन गई। ठीक है, सच्चाई बोला है वो तो अन्ना हजारे बेचारे था, अन्ना हजारे के आत्मा से पूछो इतने कितना छल कपट करा उस आदमी के संग। वो तो आज गए हैं अपने महात्मा गांधी के समाधि पे गए, हनुमान मंदिर गए, हनुमान जी का आशीर्वाद लिया, उसके बाद तिहाड़ जेल गए। कौन है? केजरीवाल। मैं सही बताऊं केजरीवाल से बढ़िया तो पाकिस्तान का इमरान खान सही है, कम से कम एक धर्म में टिपका तो रहता है। इसका कोई सुनो बिल्कुल इससे बढ़िया है पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, इससे बढ़िया है पता क्यों? सुनो इससे बढ़िया छक्के हैं, कम से सुनो इससे बढ़िया छक्के हैं, कम से कम ताली पीट का सबूत तो देते हैं हम छक्के हैं। हाँ ये नहीं बताएगा अपना हकीकत। राहुल गांधी और केजरीवाल एक ही बोतल से दूध पीते हैं, एक ही बोतल से दूध, पहले इस बालक को पिला दो, एक ही उसके भाई वे, एक ही गड़े के चिकने गड़े वे, उन पे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। आप बैकग्राउंड से वकील हैं, आप बता सकते हैं ये जो बोला है उन्होंने कि मैं हो सकता है तो मैं जेल से बाहर जिंदा वापस नहीं आऊंगा, इस बार मैं तिहाड़ जेल जा रहा हूँ, क्या कुछ भी तिहाड़ दिल्ली भाई इंसान का जीवन का चलते चलते सड़क पे नहीं पता, वो तो जेल की बात है। और दूसरी बात ये जो न्यायालय है बोले मोदी जी मेरी अंदर हत्या कराने की साजिश तक करवा सकते हैं अगर मैं इस बार तिहाड़ के लिए, कोई बात नहीं बहुत कुछ बोल सकते, वो बहुत कुछ बोल सकता है। इसका एक जवाब दूं, देखो हत्या की बात कर रहे हैं ना, इसने तो अपने बच्चों की हत्या कर दी, इनने तो अपने बच्चों की हत्या करी थी, जब इसने कसम खाई थी कि मैं कसम खाता हूं अपने बच्चों की गठबंधन नहीं करूंगा, तो इसने अपने बच्चों की हत्या कर दी जीते जी, तो ये कह रहे हैं मोदी जी मेरी हत्या कर देंगे, ये बात बिल्कुल गलत है भाई, ये बात बिल्कुल गलत है। जो अपने बच्चों के सुनिए बोल रहे हैं कि मैं तो भगत सिंह का चेला हूँ जो आजाद कराने के लिए देश गए थे, मैं इस बार देश बचाने के लिए तिहाड़ जेल के अंदर जा रहा हूँ। सर इस भगत सिंह की फांसी गांधी ने नहीं रुकवाई ना, अजी उसी के खानदान से गले मिल रहा है, समझ रहे हैं? ये जिन्ना का फॉलोवर है भाई साहब, समझ रहे हैं? ये जिन्ना का फॉलोवर है, ये कोई भगत सिंह का नहीं है। पहली बात तो भगत सिंह जी है हमारे लिए, वो जी समझ लिया क्योंकि वो हमारे लिए आदरणीय है, और जिस पार्टी ने उनको फांसी लगवाई थी ना उस पार्टी से इसने गले मिला हुआ है। और दूसरी बात ये जिन्ना का फॉलोवर है, ये कोई ये खुजली वाला है, जहाँ ये खुजली करेगा वहाँ पे लोगों को खुजली स्टार्ट हो जाती है, समझ रहे हैं? हाँ बताइए क्या नाम है? मेरा नाम पप्पू है। क्या है? पप्पू पप्पू से पैदा। अच्छा पप्पू है। बताइए क्या कह रहे थे आप मोदी जी के बारे में, मोदी जी के बारे में कुछ कह रहे हैं? हाँ कह तो रहा हूँ, गप्पू से तो अच्छा पप्पू है। माने गप्पू मोदी जी, एक ही नारा एक ही नाम, एक ही नारा एक ही नाम, झूठ बोलो सुबह शाम, पता नहीं क्या बोलते कब बोलते, सुबह को कुछ शाम को कुछ, उनका कोई यही नहीं है मोदी जी का। हम तो विश्वास कांग्रेस पे करता है। इंदिरा जी कह रही थी कि हमारा एक एक बूंद खून हमारे देश के लिए, ये मोदी झोला उठाऊंगा चल दूंगा, किस पे विश्वास करो बताओ? देखो गप्पू और पप्पू में कोई फर्क नहीं होता भाई साहब, समझ रहे हैं? मतलब ये पप्पू के फॉलोवर हैं। तो मैंने एक दिन कही थी ना, सुनिए एक दिन मैंने कही थी तो वो है कि लोग कह रहे थे नकली, तो वो है जो छोड़ के चला गया। सुनिए मैंने एक वो बोल सुनिए सुनो एक बार, वो इटली के डांसर पता कैसे आई थी, जब गाना चला था सात समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, तब इटली की नचनिया यहाँ आई थी सात समुंदर की नचनिया ला के बसा दिया देश में आदमी। देखिए मैं इसको बताना चाहता हूँ भाई, बाबू एक मिनट चुप रहो मेरी जान, सुनो ये कह रहे हैं ना कि राहुल गांधी जी, सुनिए ये राहुल गांधी जी भाई साहब वो मेंटल है, जैसी राजा वैसी प्रजा होती है, अगर वो गलती से सुनो वो एक स्टेट का सीएम भी बन गया ना तो वहाँ की जनता वैसी पप्पू मेंटल हो जाएगी और ये गप्पू बन जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है हिमांशु शर्मा। क्या बोलेंगे आज केजरीवाल जी जेल चले गए हैं, बोल रहे हैं कि बोल अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया, बच्चों के गले लगे और बोल रहे हो सकता है मैं जिंदा वापस ना आऊं, इस बार मोदी जी मेरी हत्या भी करा सकते हैं तिहाड़ जेल के। मैं इनसे पूछूंगा तिहाड़ जेल आती किसके अंडर है? तिहाड़ जेल खुद के सरकार के अंतर्गत आती है, यानी कि दिल्ली सरकार केजरीवाल जी की हत्या करवाने जा रही है। अब मैं कह दूं अभी तो ये अंदर गया है, उसके बाद 6 जून के बाद आतिशी भी जाने वाली है मानहानि के केस के अंदर, जिसने इसने दावा किया था कि
बीजेपी वाले मेरे को खरीद रहे हैं, 50-50 करोड़ रुपए दे रहे हैं खरीदने के लिए, तो ये भी अंदर जाएगी। उन्होंने कहा कि बताओ किसने कहा बीजेपी से कि आपको तोड़ने की कोशिश की जा रही है, अभी जवाब सबमिट नहीं किया, अभी भी संबंध चला गया इसके पास, जवाब नहीं। आप मतलब दिल्ली वाले हैं, आप लोग चाहेंगे कि केजरीवाल अब इस्तीफा दे दे या बर्खास्त हो जाए उनकी सरकार, या तिहाड़ जेल से सरकार चले जो वो कह रहे हैं? सर ये मिनिस्टर है, इसकी वीडियो देखते देखते हंसोगे। ये कहता है कि केजरीवाल अगर मनीष सिसोदिया घोटाला करता है तो खुद नहीं कहता, कहता है इसको गिरफ्तार करो, अगर सत्येंद्र जैन करता है तो इसको गिरफ्तार करो। ये कभी गिरफ्तार अभी नहीं देगा नहीं और ये छोड़ेगा भी नहीं, ये इस्तीफा देने वाला मिनिस्टर नहीं है। कैसा लगता है दिल्ली वाले जो बार बार उनके मुख्यमंत्री जा रहे हैं जेल के अंदर, थोड़ा सा बुरा तो लगता होगा? देखिए बहुत ज़्यादा बुरा लगता होगा दिल्ली वालों को बताने में। सबसे बड़ी दिक्कत है ना कि केजरीवाल जितनी अच्छी छवि बना रहे हैं उतना ज़्यादा बिगड़ते जा रहा है। केजरीवाल अच्छी छवि के साथ आए थे, स्वाति मालीवाल वाले कांड के साथ अंदर जा रहे हैं। सबसे बड़ा इम्पैक्ट है कि जो बोलता था शख्स की सभी जगह सीसीटीवी लगा देंगे, उसके ऑफिस में सीसीटीवी धोखा दे दिया है। ठीक है, उसकी राज्यसभा सांसद जो महिला आयोग की बड़ी मंत्री थी, यानी महिला आयोग की आवाज़ उठाती थी, उसके साथ अन्याय हो गया, वो केजरीवाल क्या बताएगा? और केजरीवाल जो फ्री की बातें करता है ना, मैं आपको पोल खोलता हूँ, दिल्ली का जो जल बोर्ड शीला दीक्षित की सरकार थी और 3000 करोड़ के बेनिफिट में था, वही दिल्ली का जल बोर्ड 2019 में 23000 करोड़ के नुकसान में जाता है, 2024 में आज 70000 करोड़ के नुकसान में। BYPL और BPRL जो दिल्ली का जो बिजली बोर्ड है वो आज 23000 करोड़ के नुकसान में। ये सब डेटा सर्च कर लीजिए गूगल पे, 0.1% भी गलती नहीं होगी। सेम टाइम पे आप आइए हमारा जो जल DTDC जो बसें चल रही हैं उनका, माने तो जो हमारी शीला दीक्षित की सरकार थी न्यूट्रल था, लेकिन आज के समय 3000 करोड़ के नुकसान में। मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं, जीरो नंबर है ना उस पर 18000 रजिस्ट्रेशन हुए हैं, यानी जीरो नंबर वाले व्यक्ति को 18000 बार बीमारी हुई है और 18000 बार जाँच हुआ है, यानी कि ये भ्रष्टाचार की इतनी लंबी लाइन है ना, एक एक बात को कोट किया जाए तो ये खत्म नहीं होनी।